Viewers, the hottest property of Mabali Island is just behind me. आप देख सकते हैं इस रूम में आपको ये नेचुरल स्टोन्स जो हैं वो मिलेंगे। रूम नंबर 28, माय रूम इज हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय रूम। आपको लेक साइड पर मील एंजॉय करने को मिलेगा। यहाँ पे कयाकिंग हो रही है और यहाँ पे यंगस्टर्स आए हुए हैं। इनके पास जो बोट्स हैं वो बड़ी हाई एंड हाई क्वालिटी बोट्स हैं। हमने बहुत सारे बॉनफायर्स देखे हैं लेकिन लेक के बिल्कुल सामने जो बॉनफायर का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत डिफरेंट है। Mabali Island has a room capacity of 20 and car parking capacity of up to 70 cars. So this is the honeymoon room और आप देख सकते हैं इस रूम में आपको ये natural stones जो हैं वो मिलेंगे। और इस रूम की ख़ास बात ये है कि ये जो रूम है ये आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। जो आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए होता है वो आपने इस रिज़ॉर्ट को कॉन्टैक्ट करके बताना है और ये आपको उस कलर कॉम्बिनेशन में जो है ये रूम तैयार करके देंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं ये अभी पिंक है, आप इस पिंक कलर को ग्रीन्स में, ब्लूज़ में, दे हैव अ वेरी नाइस पैलेट जो आपके साथ शेयर करते हैं। उस पैलेट में जो मर्जी आप कलर सेलेक्ट कर लें तो वो जो थीम है वो आपको इस रूम का मिल जाता है, विच इज़ वेरी अमेजिंग। और व्यूअर्स, एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो होगी कि हर रूम से आपको ये आपको हिल व्यू आता है और लेक व्यू आता है जो कि बहुत अमेजिंग है। और मैं तो इस वक्त हिल व्यू और लेक व्यू के अलावा भी एक बहुत जो चीज़ इन्जॉय कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि ज़िप लाइन में जो लोग आ जा रहे हैं ना वो भी एक अलग ही तफरी है, वो एक अलग ही इन्जॉयमेंट है जो आप देख के इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ीचर है मेरे ख्याल से जो आपको इस रिज़ॉर्ट में मिलती है। Viewers, the hottest property of Mabali Island is just behind me. मैं बात कर रहा हूँ केव रूम की। चल के देखते हैं कि जी केव रूम जो है वो इतना हाईली डिमांडेड क्यों है। चले मेरे साथ। Viewers, this is so amazing. मैंने इस तरह का रूम अपनी लाइफ में नहीं देखा कि इस रूम में आपको बड़े बड़े स्टोन्स जो हैं वो पड़े नज़र आ रहे हैं। और इन स्टोन्स की मैं कहानी बता दूं आपको तो ये स्टोन्स जो हैं बेसिकली ये माउंटेन का पार्ट है। और जब इन्होंने मबाली आइलैंड की टीम ने डिसाइड किया था कि वो यहाँ पे रूम्स बनाएंगे तो उन्होंने ये सोचा था कि इन स्टोन्स को हम छेड़ेंगे नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द जो है हम वॉल को क्रिएट करके इस रूम को बिल्डअप करेंगे। तो ये कहानी है जी इन स्टोन्स की। और ये देखें, ये जो स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स बेसिकली मैं एक माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा हूँ।
ये स्टेयर्स जो है इन्होंने अगेन क्योंकि इन्होंने कोई लैंड कटिंग नहीं की उस तरह से इस रूम को क्रिएट करने के लिए, इन्होंने नेचुरल एलिमेंट्स को जो है वो यहाँ पे ही मौजूद रहने दिया और उन एलिमेंट्स के साथ इस रूम को डिज़ाइन किया। देखते हैं रूम को आगे से। तो व्यूअर्स ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी स्टोन एज में चले गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी की पूरी हैं, वो स्टोन एज वाली नहीं है, लेकिन लुक और फील जो है ना वो इस रूम में स्टोन एज वाली है। और जनरली यहाँ पे ट्रेवलर्स जो हैं वो आते हैं और ये कपल्स के लिए जो है रूम एलोकेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कैपेसिटी मिलती है बेड पे वो दो लोगों की है, उसके अलावा यहाँ पे और कोई बेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर सिटिंग एरिया है, एक सेपरेट एरिया है सिटिंग एरिया, जिधर से हम गुज़र के इस तरफ आ रहे हैं। और आप वॉल्स देख सकते हैं, जो यहाँ की वॉल्स हैं वो अगेन वो स्टोन एज वाली फील जो है वो आपको देते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जो है वो आप इस रूम से ले सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे एक डोर नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ना कोई एक गार है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या आता है। एक प्रॉपर गार वाली फील है, रॉक्स के अंदर से जो है हम इस तरफ निकल रहे हैं। ओह वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। व्यूअर्स, ये तो था जी केव रूम। अब मेरे सामने बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं जो इस रिज़ॉर्ट पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो मैं भी जाने लगा हूँ कुछ एक्सप्लोर करने और देखने के हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है। अब हम आ चुके हैं मबाली आइलैंड के लेक साइड पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लेक व्यू रेस्टोरेंट है, जहां पे आप बैठ के मज़े मज़े के खाने खा सकते हैं और आपको ज़बरदस्त किस्म का व्यू नज़र आता है लेक का। उसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहां पे है, ट्री क्लाइंबिंग वहां पे हो रही है, बच्चों का एक ट्रिप आया हुआ है और बच्चे जो हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं ट्री क्लाइंबिंग। उसके साथ ही आप देख सकते हैं जिप लाइन भी यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर हैं, पैरासेलिंग हमने देखा। हमेशा हम मबाली आइलैंड का जब सोचते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले पैरासेलिंग आती है, वो भी यहाँ पर बड़े जोश व खरोश से जो हैं यहाँ के विजिटर्स उसको इन्जॉय कर रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जेट स्कीइंग भी यहाँ पर कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है जो पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी वो है टार्जन बोट। तो टार्जन बोट पर भी बड़ी बेहतरीन किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ के विजिटर्स और स्पोर्ट्स लवर्स जो हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स वो उसको इन्जॉय करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं लंच और मेरा बारबेक्यू प्लेटर जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा आइटम्स हैं यहाँ पे। और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि आपको लेक साइड पर मील इंजॉय करने को मिलेगा और ये प्रिपेयर हो रहा है जी मील। वेरी नाइस, आई जस्ट लव द अरोमा, दिस सो गुड। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सनसेट इंजॉय करने को मिल रहा है विद योर फूड। और एक और ज़बरदस्त बात यह है कि सनसेट के होते हुए आप जनरली इतना खूबसूरत मनाजर जो है वो नहीं देख पाते, लेकिन मबाली आइलैंड अगर आप आएंगे तो आप ये वाला एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नाउ आई एम गोना एंजॉय माय फूड एंड आई एम गोना टेल यू कि इसका टेस्ट कैसा है।
व्यूअर्स, द टेस्ट इज सो गुड, इट इज सो डिलिशियस, मज़ा आ गया। और इतना मज़े का मौसम हो रहा है इस वक्त यहाँ पे। और आपको मैं बताऊँ कि ये एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया पहले कभी। एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, पैरासेलिंग आप लाइव देख सकते हैं, सनसेट आप होते हुए देख रहे हैं, और उस सब के साथ इतना मज़े का खाना जब आप खा रहे हों, उससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। वेरी नाइस। अब हम जाने लगे हैं जी वाटर स्पोर्ट्स क्राफ्ट की तरफ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वाटर स्पोर्ट्स हो रही है। और यहाँ पर सबसे पहले आपके राइट पे आता है बार, टी बार, जहाँ पे आपको खाने पीने की ज़बरदस्त चीज़ें मिल सकती हैं, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सेटिंग एरिया है। और यहाँ पे बोट्स आती हैं, रुकती हैं, आप उसमें लोड होते हैं और आप एक टूर लेते हैं खानपुर डैम का। और नॉट ओनली स्पीड बोट्स बल्कि और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उन सब का गेटवे जो है वो ये जगह है। अब जी मैं बैठ गया हूँ स्पीड बोट में, और आपको अब हम टूर देंगे खानपुर डैम का। आपको बताता चलूं कि यहाँ पर एक कपल राफ्ट है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जी वो। उसमें होता क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी इवेंट कर सकते हैं, दो लोग या तीन लोग यहाँ पे बैठ के, आप इन द सेंटर ऑफ खानपुर डैम आप यहाँ बैठ के एक मील इंजॉय कर सकते हैं। और दिस इज़ इट, आप देखें इतनी खूबसूरत डेकोर हुई हुई है ये, और ये बड़ा ही एक स्पेशल सिचुएशन है। और रात में जैसे ही रात होती है तो आप फेरी लाइट्स देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत तरीके से ग्लो करती है। अभी इन्होंने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है, हैप्पी बर्थडे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन टू एक्सपीरियंस। कपल राफ्ट व्यूअर्स हमने देख लिया, अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे कयाकिंग हो रही है, और यहाँ पे यंगस्टर्स आए हुए हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है ये। और यहाँ पर इनके पास जो बोट्स हैं वो बड़ी हाई एंड हाई क्वालिटी बोट्स हैं जिस पे आप कयाकिंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं फैमिली जो है बड़ा ज़बरदस्त अपना एंजॉयमेंट कर रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ व्यूअर्स जो आपको बहुत मज़ा आता है देखने का, वो आता है सनसेट। तो आप सनसेट के टाइम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं। हमने खुद एक्सपीरियंस किया था अभी सनसेट, और सनसेट में ही आप पैरासेलिंग भी देखते हैं। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे लोग जो है वेव कर रहे हैं, लोग यहाँ पे हमें, हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं, एंड एवरीवन इज हैविंग अ टाइम ऑफ देयर लाइफ। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि है यहाँ की ज़बरदस्त फीचर। यहाँ पे आपको मिलती है टार्जन बोट। टार्जन बोट में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं विद इन अ बोट में, बल्कि आपको चाहूँगा कि आप ये देखें, ये यहाँ पे जो है ये री टार्जन बोट, और इसमें आप जंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपको स्लाइड्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप इस टार्जन बोट के थ्रू इंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स यही मज़ा है कि अगर आप रिजॉर्ट्स को एक्सप्लोर करें तो आपको रिजॉर्ट्स में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लेकिन माबाली आइलैंड की बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्सपीरियंस करने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ की अकोमोडेशन हमने देखी, बहुत ही अप टू मार्क थी, बहुत साफ़ सुथरा क्लिनलीनेस माहौल था, और हर रूम से आपको जो व्यू आता था, मैंने पाकिस्तान के अलावा भी मुल्क देखे हैं, ये व्यू आपको कहीं बड़े आराम से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से, बहुत रेयरली आपको ये व्यूज़ मिलते हैं। तो नॉट ओनली फॉर द लोकल विजिटर्स एंड टूरिस्ट, बल्कि फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट, दिस इज द प्लेस टू बी। लकीली मुझे चांस मिल गया कि मैं स्पीड बोट जो है उसका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, खुद चला रहा हूँ इसको, और बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है ये। ऐसा मुझे एक्सपीरियंस पहले कभी भी नहीं मिला। हम गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो चला लेते हैं, मोटर बाइक वगैरह भी चला लेते हैं, जेट स्कीइंग भी कर लेते हैं, लेकिन स्पीड बोट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पैरा सेलिंग होती हुई,
और भी स्पीड बोट्स हैं वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, तो इट्स अमेजिंग। बाली आइलैंड में डिनर का अपना ही मज़ा है। आपको फास्ट फूड से लेके पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल फूड ऑफर होता है। और बेहतरीन बात यह है कि डिनर को आप लेक साइड पर बैठकर भी इंजॉय कर सकते हैं, और अगर मौसम अच्छा हो तो नियर बाय बॉनफायर भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। मबाली आइलैंड का स्पेशल कहवा जो है वो भी बहुत अमेजिंग है, और वो यहाँ पर ही प्रिपेयर होता है। इधर ही लेमन ग्रास वो यहाँ से ही लेते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, और ये एक रीज़न है कि इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमने बहुत सारे बॉनफायर्स देखे हैं, लेकिन लेक के बिल्कुल सामने जो बॉनफायर का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत डिफरेंट है। मबाली आइलैंड की एक और बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर आपको कैंपिंग की ऑप्शन भी मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए, इसको इन्जॉय करने के लिए। और मैं डेफ़िनेटली कावा शावा पीने के बाद और बॉनफायर को इन्जॉय करने के बाद थोड़ी देर वहाँ गुजारूंगा और अपनी सिक्लूजन को इन्जॉय करूंगा। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है इस रिज़ॉर्ट में वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं, और रात में बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बॉनफायर को भी इन्जॉय कर रही हैं। और जो एजड ग्रुप्स हैं उनको मैंने देखा कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सर्विसेज देता नज़र आया। और जो एक चीज़ मुझे पता चली वो ये है कि जो डिफरेंटली एबल्ड क्राउड है, जो डिफरेंटली एबल्ड टूरिस्ट और ट्रैवलर्स हैं, उनको यहाँ पे स्टाफ जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको बहुत हेल्प करता है, और ना कि खाली हेल्प करता है बल्कि उनको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। अगर वो कुछ खाने में ऑर्डर करें तब भी उनको डिस्काउंट मिलता है, और अकोमोडेशन के लिए भी उनको डिस्काउंट मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम दिस रिज़ॉर्ट।